आज इतनी सुबह सुबह किससे बात हो रही थी फोन पर? अरे निशा का फोन आया था, बोल रही थी अमित का ट्रांसफर हो गया है मुंबई में और अमित आज ही आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या निशा भी आ रही है? नहीं, निशा अभी नहीं आएगी। अमित आकर पहले घर का अरेंज कर ले, निशा और बच्चे बाद में आएंगे। तब तक अमित यही अपने साथ ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कैसे हो पहले ये बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए कैसे हैं? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई है, बहुत आराम से आया मैं। अच्छा ये बता, मेरी बेटी निशा और बच्चे कैसे हैं? निशा भी बहुत ठीक है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत शैतान है बच्चे। कितने महीने हो गए उसे देखा भी नहीं। क्या करूँ मम्मी जी, ट्रांसफर हो गया हमारा। अरे आ गए अमित। नमस्ते रेड्डी जी, कैसे हो? अच्छे हैं, अच्छे। ऑफिस से आ रहे हैं आप? हाँ। और कैसा चल रहा है ऑफिस आपका? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है बेटे। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। आप खाना लगाती और रेडी हो ना, बताइए कैसे हैं आप? चलो अच्छा हो भाई, तुम्हारे ट्रांसफर यहाँ हो जाने से कम साथ में रहने का मौका तो मिलेगा। और निशा की जब से शादी हुई है तब से घर सुना सुना लग रहा है। और फिर बेटे की कमी भी काफी दिनों से महसूस होती थी, वो भी पूरी हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कहने को जमा हूँ पर हूँ तो बिल्कुल आपकी बेटी जैसा ही। लीजिए खाना खाइए। आप दोनों बातें बाद में करना, पहले खाना खा लीजिए। आप खा लीजिए, बाद में मैं खा लूंगी। निशा आएगी, बच्चे आ जाएंगे तो घर तो हरा भरा रहेगा। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा भगवान चलते हैं, और देखो शाम को अच्छा खाना बना के रखना। जी हाँ, अच्छा ही खाना बनाऊंगी। अमित क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? कुछ भी बना दीजिए, वैसे खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे भाई मैं घर का खाना खा खा के बोर हो गया, मैं तो कहता हूँ होटल में चलेंगे शाम को। आप अपनी राय अपने पास ही रखिए। हाँ। और ये लीजिए घर का खाना, डॉक्टर ने आपको बाहर का खाना खाने के लिए मना किया है। अमित ध्यान रखना। जी बिल्कुल, चलो यार आइए। अरे आप, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी। चाय बनाऊं आपके लिए? जी बिल्कुल, और अपने लिए भी बना लीजिए, दोनों साथ बैठ के पियेंगे। अच्छा ठीक है, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई। अरे वहां क्यों बैठ रही है, इधर बैठिए ना। यहाँ बैठिए, चाय पीते हैं साथ में। लीजिए चाय पीजिए। वैसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आप अभी भी इतनी जवान दिखती हैं। पापा की उम्र ज्यादा लगती है आपसे। मजाक मत किया करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप निशा की माँ नहीं हो, उसकी बड़ी बहन दिखती हूँ। ऐसी बात है ना बेटा, इनके पापा और मेरे पापा दोस्त थे, बचपन में शादी फिक्स कर दी, क्या कर सकते हो। खैर जो भी हो, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या हुआ, क्या दिख रही है?
कुछ नहीं। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। सच्ची? हाँ। भगवान, मैं आज बाहर जा रहा हूँ और लेट आऊंगा। मैं आपके लिए खाना बना के रखूं? नहीं नहीं, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आज तो पापा घर पे हैं नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं। पार्टी? कैसी पार्टी? आप दो मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये रही पार्टी। क्या है ये? कीजिए, ड्रिंक है। मैंने आज तक कभी ड्रिंक लिया नहीं है। तो क्या हुआ, जो काम आज तक नहीं किया वो भी कर लेते हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, पकड़िए। हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। चीयर्स। पीजिए। अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है, सर चकरा रहा है। क्या था ये? ड्रिंक था। ये क्या हो रहा है? ये क्या लगा रखा है? और जवाई के साथ में? और तुम? चलो तुम घर में रहने लायक नहीं हो। और खड़े हो जा।